अब हम आपको दिखाते हैं जंग के मैदान से एक साहसिक रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आप देखिए, क्योंकि जब रिपोर्टिंग हमारी संवाददाता डोनेट्स में कर रही थी, तब रूसी कैंप पर रॉकेट से हमला होता है, जिसके बाद वहां भगदड़ मच जाती है। और अगर आप पीछे देखें, अभी यूक्रेनियन अटैक, जब लाइव रिपोर्टिंग के दौरान हुआ अटैक, जब लाइव रिपोर्टिंग के दौरान गिरा रॉकेट, यूक्रेन के मैदान से जंग की साहसिक वॉर रिपोर्टिंग। ये डोनेट्स्क का येलेनोव का इलाका है। तस्वीर देखने से ही साफ हो जाता है कि कैसी भीषण जंग छिड़ी है। सामने रूसी टैंक नजर आ रहे हैं, तो पीछे आग की लपटें और काला धुआं। आज तक की वॉर रिपोर्टिंग गीता मोहन जब येलेनोव के इस इलाके से रिपोर्टिंग कर रही थी, तभी यूक्रेन की तरफ से रूसी फौज के कैंप पर ये रॉकेट हमला हुआ। हम यहाँ येलेनोवका में हैं, जो एक बेस कैंप होता था, और अगर आप पीछे देखें, अभी यूक्रेनियन अटैक, बहुत बड़ा शेलिंग हुआ यहाँ पर, जिससे ये कैंप बिल्कुल तहस नहस हो गया। आग अभी भी जल रहा है। यहाँ पे बहुत सारे टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, आर्टिलरी कैरियर्स रखे हुए थे, तो बहुत इम्पोर्टेंट स्टेशन था। और यहाँ पर अब जितने भी फोर्सेस हैं, वो पीछे हट गए थे पहले देखने के लिए कि जा सकते या नहीं, और अब देखिए भाग भाग के जा रहे हैं। जितने भी टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स को रिट्रीव कर सकते हैं, उनको रिट्रीव करके बाहर ले जाया जा रहा है। देखिए बाहर ले जाया जा रहा है। तो मेजर अटैक हो गया है यहाँ येलेनोवका में। पीछे देखिए, यूराल ट्रक्स बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं, और वहां पे आग अभी भी जल रहा है। तो जायजा लेके निकल रहे हैं। यूक्रेनी हमला होते ही अफरा तफरी मच गई। इस रूसी कैंप में यूक्रेन के जब्त टैंक और दूसरे गोला बारूद रखे हुए थे। वहां रूसी जवानों का जमावड़ा था, तभी मिसाइल हमले में अफरा तफरी मच गई। फौरन रूसी जवानों ने मोर्चा संभाल लिया, और बर्बादी की चपेट में आने से बचाने के लिए टैंक आर्टिलरी को दूसरी जगह शिफ्ट करने लगे। बोल रहे बाहर निकलने के लिए, क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट है। बोल रहे बाहर निकल रही है क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट है। यहाँ पे देखिए सोल्जर्स, ये देखिए सोल्जर्स जा रहे हैं एक्शन। वहां पे उन्होंने बोला है कि वहां से निकल जाए, क्योंकि ये देखिए कमरों के अंदर जा रहे हैं, पोजीशंस ले रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अभी भी यहाँ पे अटैक हो रहा है। वो है कमांडिंग ऑफिसर सईद, जो इस पूरे गैरिसन को कंट्रोल करते हैं। और ये लाइव एक्शन है, ये लाइव सिचुएशन है। और यहाँ पे क्लियरिंग से पहले सबसे पहले कोशिश कर रहे हैं कि अपने एसेट्स को निकाले। डोनेट्स्क रूस के कब्जे वाला इलाका है, और यूक्रेनी फौज इसे फिर से हासिल करने की कोशिश कर रही है, लिहाजा यहाँ जंग तेज है। मारियोपोल इसी डोनेट्स्क का हिस्सा है, जहाँ रूस ने भारी बर्बादी मचाई है। मारियोपोल से आई कलेजा कपाने वाली तस्वीरें देख लीजिए। यहाँ रूसी हमले में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। भारी तबाही के बाद अब रूस की फौज पीछे हट चुकी है। यूक्रेन के जवान अब मलबों के ढेर से शवों को निकाल रहे हैं। मारियोपोल शहर जंग से उपजी मानवीय त्रासदी की सबसे बड़ी मिसाल बन चुका है। यहाँ खाने पीने और जीवन की जरूरी चीजों की भारी किल्लत हो चुकी है। तस्वीरें देखिए, रूस से आई मानवीय सहायता पाने के लिए लोग किस तरह लंबी लाइनों में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये तस्वीर भारी विडंबना से भी भरी हुई है। रूस ने यहाँ सब कुछ बर्बाद कर दिया, और वही रूस इन्हें सहायता बांट रहा है। डोनेट्स्क से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो।